That man, soul leader, the soul. तो यो कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू मेटालिक बॉयज। एंड ये हमारे सोल लीडर का थर्ड एपिसोड है। अगर आपने अभी तक सेकंड एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। एंड वीडियो को शुरू करते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर देना। तो एपिसोड टू में आपने देखा कि जो ब्लैक स्टार है और उसका जो वेपन है सुबाकी, वो एक मिशन पे जाते हैं एक विच को मारने के लिए। और वहाँ पे वो विच का एक बॉडीगार्ड होता है जिसका नाम होता है म्यू फैन, वो उससे फाइट करते हैं। बट हमें पता चलता है कि जो विच है वो एक छोटी बच्ची है और उसके पास पावर्स भी नहीं है, तो वो उस विच को मारते नहीं और वापस आ जाते हैं। और वहाँ पे एपिसोड टू खत्म हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा होता है जो कि बहुत सारी इनोसेंट सोल्स लेके चुरा के भाग रहा होता है, और उसके पीछे अचानक से गोलियों की बौछार होने लगती है। और फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि लास्ट सेकंड एपिसोड में दिखा था, जिसका नाम होता है डेथ द किड, वो उसके ऊपर फायर कर रहा होता है। और उसके पास जो दो पिस्टल्स होते हैं वो उसके शैडो वेपन्स होते हैं, तो वापस वो लड़के में बन जाते हैं। और वहाँ पे वो एक अपना सिग्नेचर पोज करते हैं, पर उसमें से एक जो छोटी लड़की होती है जिसका नाम होता है पैटी, वो अपने मार्क से थोड़ा सा बाहर निकल जाती है। तो जो डेथ द किड होता है वो लड़का, वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें समझ नहीं लगता कि हमारा पोज कैसे करना है और तुम लाइन से बाहर आ चुकी हो। तो यहाँ से पता लगता है कि उस लड़के को परफेक्ट चीज़ें और सिमेट्रिकल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, और वो इसी के बारे में उन दोनों लड़कियों से बहस कर रहा है। और तब तक चोर वहाँ से भाग जाता है। उनमें से एक लड़की वो डेथ द किड लड़के को बता रही होती कि चोर भाग रहा है, पर वो उससे बहस करने लगता है। और वो उन्हें भी बताता है कि तुम भी सिमेट्री नहीं हो, एक बड़ी है और एक छोटी है। और फिर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो फिर लड़के को ही बोलने लगते हैं वो लड़कियाँ कि तुम में भी कौन से सिमेट्री है, तुम्हारे आधे बाल ब्लैक एंड वाइट हैं और आधे बाल काले हैं। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो बोलता है कि मैं कोई भी सिमेट्री चीज़ नहीं देखता, तो मुझे तो मर जाना चाहिए। फिर वो डेथ द किड उदास हो जाता है। फिर वो जो दो लड़कियाँ होते हैं लिज एंड पैटी, वो उसे सहानुभूति देते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। और फिर बाद में वो लड़का है वो बोलता है ठीक है और हमें ये सब प्रोफेसर को बताना पड़ेगा। तो वो कुछ स्पेल करता है और एक पोर्टल खुल जाता है, और वहाँ से वो जो मेन बॉस होता है प्रोफेसर, वो आता है और वो बोलता है हेलो सन। तो यहाँ से पता लगता है कि वो जो लड़का है वो प्रोफेसर का बॉस है, और वो एक प्रजाति है जिसका नाम है ग्रीम रैपर, और ये उसका बेटा है। और उस प्रोफेसर को सारे लॉर्ड डेथ बुलाते हैं और लड़के को बुलाते हैं लॉर्ड डेथ सन। फिर जो वो ग्रीम रीपर होता है जो उसका पापा होता है, वो उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि हाँ लग रहा है कि तुम प्रोग्रेस करो धीरे धीरे, और करते रहो और अच्छा करो, ऐसा उसे बोलता है। फिर वो अपने पापा से पूछता है कि आपके पास कोई मेरे लिए मिशंस हैं, तो फिर वो उसका पापा बोलता है कि हाँ मिशन है मेरे पास एक तुम्हारे लिए। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है सोल और माँ का वहाँ पे मिशन बोर्ड के सामने खड़े हैं, और वहाँ पे ब्लैक स्टार और सुबाकी भी आ जाते हैं। और वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ क्यों है, तो फिर सोल उसे बताता है कि यहाँ पे इसलिए भीड़ है क्योंकि यहाँ पे एक मिशन आया है पिरामिड्स वाला, और ये बहुत ही तगड़ा मिशन है और बहुत ही हार्ड है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जो डेथ द किड है वो कहीं पे जा रहा है अपने सर्फ बोर्ड से आसमान में उड़ के, और उसका जो फादर है जो कि ग्रेम रीपर है जो कि मेन बॉस है प्रोफेसर, वो उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें एक पिरामिड में जाना है जहाँ पे एक विच रहती है, और वो सारे मम्मीज को कंट्रोल में रखा है उसने, और वो सारे मम्मीज को रात को आज़ाद करती है और इंसानों की सोल्स खिलाती है। और वो जो प्रोफेसर है वो बोलता है कि वहाँ पे जो मम्मीज हैं वो सोल खाती हैं, और एक मम्मी फिर आगे दो मम्मीज के सेट बनाती हैं, और वो जो आगे दो मम्मीज के सेट हैं वो आगे फिर दो मम्मीज के सेट बनाती हैं। इससे करके वो विच अपनी पूरी आर्मी खड़ी करना चाहती है। और फिर जो डेथ द किड है वो सोचता है कि मैं पहले वो विच को मार दूंगा और फिर आराम से वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है उसे इंजॉय करूँगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि जो सोल हैं और फिर सोल माँ का ब्लैक स्टार और सुबाकी वहाँ पे खड़े होते हैं, और ब्लैक स्टार और फिर सोल सोचते हैं कि ये मिशन किसको मिला होगा, और जिसको मिला होगा देखते हैं वो कर पाता है कि नहीं। और फिर वो ये जानने के लिए कि ये मिशन किसको मिला है वो लोग जाते हैं प्रोफेसर को ढूंढने के लिए, और वो दो तीन जगह जाते हैं पर उन्हें प्रोफेसर नहीं मिलता है, और वो एक क्लास में जाके बैठ जाते हैं। फिर वहाँ पे उनका टीचर आता है और वो उन्हें बताता है कि ये जो मिशन है ये खुद प्रोफेसर के बेटे डेथ द किड को मिला गया।
फिर हमें डेथ द किड दिखाया जाता है जो कि पिरामिड में पहुंच चुका है और वो लोग अंदर जाते हैं और वो जो दो सिस्टर्स होती हैं वो जो उसके वेपन्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, पर जो डेथ द किड है वो चुप रहता है और फिर वो उनसे पूछते हैं कि तू चुप क्यों है, तो फिर वो बताता है कि मुझे मेरा ये इमेजिनेशन, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि जो मेरे घर में पेंटिंग लगी है वो थोड़ी सी राइट की और है तो मुझे जाके उसे सही करना होगा। तो उसे मारते हैं और बोलते हैं कि अभी हम यहाँ पर लड़ने आए, ये सही समय नहीं है फालतू की चीज़ें बकवास करने के लिए। वो जो डेथ किड होता है वो वहाँ से जाने वाला होता है, पर जो वहाँ पे लीज और पैटी होते हैं उसे खींच के अंदर लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे मम्मीज आ चुके हैं और वो मम्मीज उन्हें देख के पहले स्टार्टिंग में हंसने लगते हैं और बाद में एक मम्मी अपनी जीभ निकाल के उसको खाने की कोशिश करता है लीज को, और फिर बाद में वो लीज और जो पैटी होते हैं वो बोलते हैं कि अब टाइम आ गया हमें ट्रांसफॉर्म होने का, और जैसे ही पीछे देखते हैं कि हमें वो डेथ द किड हमें यूज़ करेगा, लेकिन वहाँ पे देखते हैं कि वो तो वहाँ से भाग चुका है, वो वहाँ पे लेटर फेंकता है, लेटर में लिखा होता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं मेक श्योर करके आता हूँ कि जो मेरी पेंटिंग है वो पूरी सिमेट्रिकल में लगी हो। फिर ये जो लीज एंड पैटी हैं ये दोनों खुद ही आपस में ट्रांसफॉर्म हो गए, एक एक करके ट्रांसफॉर्म हो के और एक दूसरे को यूज़ करके उन मम्मी से लड़ती हैं और उनको मारती हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जैसे ये उसको मार रही होती है तो एक बंदूक की आवाज़ आती है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो एक विच है वो वहाँ पर कुछ रिचुअल कर रही है, और वो जो विच होती है वो वहाँ पे रिचुअल करके सबसे बड़े वाले मम्मी को बुला रही होती है, उसके कब्र से बाहर निकाल रही होती है, पर वो जैसे ही रिचुअल करती है उसे जिंदा करती है तो जो बड़े वाला मम्मी है वो इस विच को ही अपने कब्र के अंदर लेके और उसे मार के खा जाता है। फिर हमें डेथ द किड का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुँच चुका है और वो पेंटिंग को देखता है तो वो बोलता है हाँ पेंटिंग तो सही लग रही है, अब मैं वापस चलता हूँ, वहाँ पे पैटी और लिस मेरा वेट कर रहे होंगे। फिर पैटी और लिस को दिखाया जाता है जो कि सारे मम्मीज को मार चुके हैं, उनकी सोल खा चुके हैं, और फिर वो देखते हैं वहाँ पे कि नीचे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, तो वो बड़ी वाली जो लिस है वो बोलती है हमें नहीं जाना चाहिए, पर जो पैटी वगैरह वो बोलते हैं कि हमें जाना चाहिए, तो फिर वो वहाँ पे चल जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि जो विच उसने खाया था मम्मी ने उसका हाथ बाहर ही पड़ा है, उसका हाथ हिल रहा है और वो लोग डर जाते हैं। फिर जैसे ही वो दोनों चिल्लाते हैं तो उस कब्र के अंदर से बहुत सारे बैंडेजेस निकलते हैं और फिर उनके पास आने लगते हैं। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर दिखाया जाता है डेथ द किड जो कि यहाँ पे वापस आ चुका है और वो उन्हें ढूंढ रहा है, और फिर हमें दिखाया जाता है जो लिज एंड पैटी हैं वो बैंडेजेस में बंधे हुए हैं और जकड़े पड़े हैं, और फिर जो वो मम्मी है वो उनसे पंगे ले रहा है। फिर डेथ द किड उन्हें लिज और पैटी को उसके बैंडेजेस से उसे आज़ाद करता है और फिर लिज और पैटी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पिस्टल्स में, और फिर जो डेथ द किड है वो पिस्टल्स पकड़ता है उसे मारने वाला होता है, लेकिन अंदर से बहुत सारी बैंडेजेस निकलती हैं और वो डेथ द किड को मार के और नीचे गिरा देती हैं। फिर वो लिज एंड पैटी उसको बोलते हैं कि तुम हमला क्यों नहीं कर रहे, तो फिर वो बोलता है कि ये कब्र को देखो कितना परफेक्टली ये सिमेट्रिकल है तो मैं इसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। वो जो बैंडेजेस हैं वो एक ड्रिल टाइप बन के डेथ द किड के अंदर घुस जाती हैं, पर फिर भी ये उसके ऊपर किड हमला नहीं करता क्योंकि ये बोलता है कि ये सिमेट्रिकल है मैं इसके ऊपर हमला नहीं कर सकता, और फिर वो जो बैंडेजेस होती हैं वो एक हैमर बन जाती हैं और फिर उसको बहुत किड को नीचे लिटा के उसके ऊपर हैमर के ऊपर हैमर तीन चार बहुत बार मारती है, फिर अंदर से जो कवर होती है वो खुलती है और फिर उसके अंदर से एक बहुत बड़ा मम्मी निकलता है, और फिर जब डेथ द किड उसे देखता है तो मम्मी सिमेट्रिकल नहीं होता, उसकी एक साइड आँख होती है राइट साइड और लेफ्ट साइड आँख नहीं होती है, तो इसे गुस्सा चढ़ जाता है किड को और फिर ये लगातार उसे फायर करे जाता है और उसे मार देता है। फिर वह उसे मारने के बाद वहाँ से चल जाते हैं और फिर वो जो किड होता है वो बोलता है कि चलो अब इस जो मिस्ट्री ये जो इतना सिमेट्रिकल और इतना परफेक्ट पिरामिड था अब इसे गुड बाय कहते हैं, पर वो देखते हैं कि वो पिरामिड वहाँ पे टूट चुका है, इसने इतने फायर किए थे कि वो पिरामिड ही टूट जाता है, और फिर ये लोग खुश हो रहते हैं लीज एंड पैटी, पर वो उदास हो जाता है खिड़की मैंने इतनी अच्छी सिमेट्रिकल चीज़ तबाह कर दी, और फिर सीन दिखाया जाता है कि जो ब्लैक स्टार और जो सोल हैं वो वहाँ पे मतलब गुस्से से देख रहे होते कि ये मिशन कंप्लीट हो चुका है पिरामिड वाला और डेथ द किड ने इसे कंप्लीट कर दिया और उन्हें लगा था कि वो नहीं कर पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लॉर्ड है जो ग्रीम रीपर है जो बॉस है वहाँ का प्रोफेसर वो अपने बेटे को बता रहा होता है डेथ द किड को कि तुमने वहाँ का पिरामिड तोड़ दिया है तो इसके पनिशमेंट में तुमने वहाँ से जितने भी सोर्स कलेक्टेड किए हैं वो सारी तुमसे ले ली जाएंगी। फिर एंड सीन में दिखाया जाता है एपिसोड की जो नरेटर है वो बता रहा होता है कि अब इन्होंने सारे करेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, एक तो माका और सोल, फिर ब्लैक स्टार उसका वेपन सुबाकी, फिर हमारा डेथ द किड और उसके दो वेपन लीज एंड पैटी, और फिर वो बोलता है कि अब सारे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ये तो प्रो विलेज था और अब मेन स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।